Good morning, students. How are you all? Fine? Okay, I am also fine. Now, we will start next chapter. New chapter, unit number 8, Nobody's Friend. Okay? We have completed unit number 7. Unit number 7 is over. So, Nobody's Friend. Nobody's is nahin. Kisi ka bhi nahin friend. Nobody's Friend. Do you like make friends? आपको फ्रेंड्स बनाना पसंद है ओके तो डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स ओके सो नाउ वी विल स्टडी ऑफ यूनिट 7 डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स डू यू थिंक देयर इज एनी चाइल्ड हु हैज नो फ्रेंड्स नीड ऑफ डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स क्या आपको फ्रेंड्स बनाना पसंद है ऑब्वियसली होगा सभी को है लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनको फ्रेंड्स पसंद नहीं है उनको शेयरिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है तो डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स क्या आपको फ्रेंड्स का बनाना पसंद है डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स क्या आपको अपनी थिंग्स अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है डू यू थिंक देयर इज एनी चाइल्ड हु हैज नो फ्रेंड क्या आप जानते हो कोई ऐसा बच्चा है जिसका कोई फ्रेंड ही नहीं है चलो ये रीड करते हैं रीड एंड एंजॉय सी हैव सम स्वीट्स एंड सी वुड नॉट शेयर उसके पास कुछ स्वीट्स है ये देखो यू कैन सी हियर देयर इज अ गर्ल सी हैज सम स्वीट इन दिस जार है ना तो सी हैड सम स्वीट्स दैट सी वुड नॉट शेयर उसके पास कुछ स्वीट्स है कुछ मिठाइयां हैं बट वुड नॉट शेयर लेकिन वो शेयर नहीं करेगी सी हैड अ बुक दैट सी वुड नॉट लेंड उसके पास एक बुक भी है सी हैज आल्सो हैज बुक सी हैज बुक आल्सो ओके उसके पास एक बुक भी है बट सी वुड नॉट लैंड लेकिन वो किसी को लैंड नहीं करेगी मतलब किसी को पढ़ने के लिए नहीं देगी उधार नहीं देगी सी वुड नॉट लेट एनीवन प्ले विद हर डॉल और वो किसी को अपने डॉल्स देखो सी हैज अ डॉल आल्सो उसके पास एक डॉल भी है तो वो डॉल के साथ किसी को खेलने भी नहीं देगी सी इज नोबडीज फ्रेंड क्योंकि वो किसी की भी फ्रेंड नहीं है और उसको शेयर करना पसंद भी नहीं है आपने सुना है ना शेयरिंग इज केयरिंग है ना शेयर करना सीखो शेयर करने से जो हैप्पीनेस मिलती है जो खुशी मिलती है वो बहुत अच्छा लगता है जैसे आप क्लास में जैसे अपना रिसेस में अपना जब लंच कर रहे हो अपना फूड खा रहे हो तो आपने आप देखते हो ना पीछे सीट पर अगर किसी के पास नहीं है तो शेयर करके खाते हो तो आपको बहुत एक अजीब सी हैप्पीनेस मिलती है ना तो वो ही है तो सी हैड सर्व टॉफी एंड एट एवरी वे He had a tricycle, he would not lend. He never let anyone play with his friend. He is nobody friend. एक poem है पता है ना आपको तो he had some toffee. उसके पास कुछ toffees हैं and at every bit और वो सारी toffee खुद खाएगा He will eat itself. अपने आप ही सारी खा लेगा है ना तो he had a tricycle. उसके पास देखो ये tricycle भी है ये सपोर्टर वाला साइकिल आता है ना ट्राइसल ही वुड नॉट लैंड वो किसी को लैंड नहीं करेगा किसी को चलाने के लिए नहीं देगा ही नेवर लेट एनीवन प्ले विद हिज फ्रेंड और यहाँ तक कि वो उसके पास ट्रेंड भी है वो अपनी ट्रेंड से किसी को खेलने भी नहीं देगा ही इज नोबडी फ्रेंड क्योंकि वो भी किसी का फ्रेंड नहीं है है ना उसके पास भी इस गर्ल की तरह उसके पास भी कोई फ्रेंड नहीं है ही हैज नो एनी फ्रेंड्स लाइक दिस गर्ल इस गर्ल की तरह उसके पास भी कोई फ्रेंड नहीं है नेक्स्ट व्हाट आई शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विद यू लेकिन मैं अपनी सारी स्वीट्स आपके साथ शेयर करूंगी आई लाइक टू शेयर एवरीथिंग टू एनीबॉडी मुझे सबके साथ किसी के साथ भी कोई चीज शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है माई बॉल एंड माई बुक्स एंड माई गेम्स आई विल लेंड मेरे पास बॉल है देखो बॉल है एंड माई बुक्स मेरी बुक्स है एंड माई गेम्स और मेरे गेम्स है आई विल लैंड योर्स हाफ माई एप्पल और यहाँ तक कि मेरे पास एक हाफ एप्पल भी है आधा कटा सेब भी है एंड हाफ माई केक और मेरा आधा केक भी है एंड आई लाइक टू शेयर ऑल विद माई फ्रेंड्स और मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है आई एम योर फ्रेंड्स आई एम योर फ्रेंड मैं आपकी फ्रेंड हूँ इसके जो पोइट है वो है एनेट ब्लाइटन कौन है एनेट ब्लाइटन ओके तो
meet again. She had some sweets and she would not share. She had a book that she would not lend. She would not let anyone play with her dolls. She is nobody's friend. She had some toffee and at every weight he had a tricycle. He would not lend. He never let anyone play with his friend. He is nobody's friend. But I shall share all of my sweets with you, my ball and my books and my games I will lend. Here's half my apple and half my cake. I'm your friend and a blighter, okay? Okay, next. So, this poem is over. Okay, have you understood this poem? Next, Erico Ward Building, page number 132. Page number 132. Can you find more power sending with less? This is friend less and home less. ऐसे आपके आपको बहुत सारे powers यहाँ पे बनाने हैं. तो next हो जाएगा careless. जैसे care किस क्या होता है? Careful. परवाह करता हूँ, जो बहुत केयरिंग हो तो उसको हम केयरफुल बोलेंगे. बट केयरलेस में लापरवाह हूँ, जो केयर नहीं करता हूँ, जिसकी परवाह नहीं करता हूँ, तो वो केयरलेस होता है. ओके, होपलेस. एक होता है होपफुल. होपफुल मीन्स आशा रखना, किसी चीज का हो जाएगा उसको वो चीज करते हुए करते रहना, अपना एफर्ट कंटिन्यू रखना, तो होप रखना, तो होपफुल. बट यहाँ पे होपलेस करना, सॉरी होपलेस. ओके, तो होपलेस मीन्स निराशा, मतलब किसी चीज में उम्मीद खो देना, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, उसको बोलेंगे हॉपलेस. ओके, वायरलेस. वायरलेस जानते हो ना, बिना तार का वायरलेस, जो भी हमारे पास एंड्रॉइड या जो भी मोबाइल है वो वायरलेस है. ओके, उसमें कोई वायर नहीं है. सुपरलेस, योर वर्क इज नॉट सुपर, यानी सुपरलेस, योर वर्क इज सुपरलेस, अच्छा नहीं है, लेकिन नॉट गुड. ओके, मैनरलेस, जैसे मैनरफुल, मैनरफुल पता है ना, तौर तरीके, मैनर्सफुल, दिस बॉय इज वेरी मैनरफुल, बट मैनरलेस, मैनरलेस भी असभ्य, जिसको बातचीत करने का कोई तौर तरीका ना आता हो तो कॉल्ड मैनरलेस. ओके, मदरलेस, मदरलेस, बट मदर तो मदरलेस तो कोई नहीं होती है, लेकिन मदर फुल यानी मदरलेस. ओके, नेक्स्ट नंबर टू. कैन यू राइट द अपोजिट ऑफ, अब इसका अपोजिट बनाना, जैसे लैंड बोला था ना, लैंड लैंड मीन्स किसी को देना, कोई चीज यूज करने के लिए देना, तो लैंड करना मतलब उधार देना, और बोरो मीन्स होता है किसी से कोई चीज यूज करने के लिए लेना, मीन्स बोरो करना, बोरो मीन्स किसी से उधार लेना. ओके, तो फर्स्ट का एंड सेकेंड का नोबडी, नोबडी मीन्स कोई नहीं, तो नोबडी का हो जाएगा समबडी. रीड द गिवन सेंटेंस अंडरलाइन टू नो वर्ड इन ईच. तो यहाँ पे आपको नो, जो भी नो वर्ड वाला है उस पेजेस की नंबर वन, नंबर वन पे क्या है, नोबडी. यहाँ पे आया है नोबडी इज एट होम, घर पे कोई नहीं है, तो नोबडी, नोबडी अंडरलाइन. नंबर टू, नाम हैज नो बुक, नो बुक, नाम के पास कोई बुक नहीं है, नो, नो वर्ड आया है. नंबर थ्री, यू कैन नो वन हेल्प हिम, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है, नो वन, तो यहाँ पे नो वन अंडरलाइन. नंबर फोर, वाज भोपाल नाउ हियर, नो, नो बियर अराउंड, भोपाल यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो नो बियर. No pot.
somebody. Nobody, everybody, somebody. Okay? Cycle, bicycle, tricycle. CLE. They have same pronunciation. Okay? तो rhyming words में क्या है? Last का जो word होता है, उसमें same pronunciation आता है. तो share, fear, steer. Okay? Now write words in rhyme base. ऐसे ही आपको words भी ऐसे write करना है. जैसे train. तो train का क्या हो जाएगा? Train, brain, grain, and यहाँ पे कुछ भी जैसे ट्रेन हो गया, ट्रेन, ब्रेन, ग्रेन, फ्रेंड. जैसे फ्रेंड का है, तो फ्रेंड का ऐसे इसमें से पिक आउट करना है और आपको लिखना है. ओके, यू हैव टू डू दिस योरसेल्फ. एंड रीड दिस पोएम अगेन एंड अगेन, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन. ओके, सो इट इज इनफ फॉर टुडे. So, we will meet now in the next video. I will send you PDF. Okay? So, practice again and again. Okay? Bye. Good morning, students. How are you? Fine? Okay. Now, our next chapter is unit number 7, Sundari. Chapter name is Sundari. Sundari padhaya tha na maine? I have taught you already. पढ़ा चुकी हूँ सुंदरी. सुंदरी कौन थी? सुंदरी वॉज अ काइट. एंड बॉबी मेट दिस. बॉबी ने उसको बनाया था. बॉबी ने वो डेट वॉज सो ब्यूटीफुल. वो बहुत सुंदर थी, इसलिए बॉबी ने उसका नाम क्या रख दिया? सुंदरी. ओके, तो ये अभी हम हार्ड वर्ड सी डब्ल्यू बात करेंगे. ओके, तो हार्ड वर्ड यानी कि सी डब्ल्यू में सबसे पहले हार्ड वर्ड स्टार्ट करेंगे नंबर वन. तो आपको कैसे स्टार्ट करना है? चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 7 सुंदरी, चैप्टर नेम एंड हार्ड वर्ड. नंबर 1 सुंदरी, SUNDARI सुंदरी. ओके, नंबर 2 बॉबी, BOBBY बॉबी. नंबर 3 स्माइल, SMILE स्माइल. नंबर 4 beautiful, BEAUTIFUL beautiful. Okay, number 5 band, BAND. Number 6 everyone, EVERYONE everyone. Number 7 button, WWDEN button. Number 8 look, LOOKED. These are some hard words. Okay, you have to learn it. ये कुछ hard words हैं जो हमको थोड़े difficult पड़ते हैं, तो हमें learn करना है. Number 9 holding, HOLDING holding. Starting, STARTED. Started. Number 11 soon, SHOED soon. Okay. Number 2 no, number 12 sorry number 12 leaped, LEABED leaped. Number 13 tug, TUGGED tugged. Number 14 string, STRING string. Number 15 weed. Now we will repeat. Number 1 Sundari, जो kite का name था. Number 2 Bobby, जिसने kite को बनाया था. Number 3 smile is स्माइल करना, लिटरली स्माइल मतलब लिटरली लाफ, थोड़ा सा हंसते हैं ना, मुस्कुराते हैं. स्माइल. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स नाइस, सुंदर. बैंड, बैंड मीन्स ग्रुप. जो बहुत सारे म्यूजिशियन होते हैं ना जो गाना गाते हैं, तो उनका जो ग्रुप हो जाता है उसको बैंड बोलते हैं. एवरीवन, एवरीवन मीन्स
डॉग ने उसकी सुंदरी की जो टेल थी उसको मुंह में ले लिया था, तो उसके बाद उसने बॉबी ने उसको कैसे बताया, शू करके, है ना, लीप, लीप में होता उछाल मारना, उछलना, जंप करना, टब, लीप भी उछली, टकलीस भी होता है एकदम से छटका मारना, उछल मतलब ऊपर हवा में जाना बहुत ज्यादा, स्ट्रिंग मीन्स, स्ट्रिंग मीन्स ट्विंग मीन्स डोरी, ओके, वी जब वो हवा में गई ना इस टाइम में तो कैसी आवाज, विंड आई, विंड की आवाज कैसी थी, वी, जो सुंदरी थी जब वो स्काई में बहुत ऊंची गई ना तो उसने अपना हैप्पी एक्सप्रेस कैसे किया, अपने हैप्पीनेस को वी करके, है ना, जब आप खुश होते हो तो इस टाइप की आवाज निकालते हो ना, वी हुरे, ऐसे ही सुंदरी में भी आवाज निकाली वी। नाउ वी विल राइट वर्ड मीनिंग, ओके, तो वर्ड मीनिंग यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखना है आपको, नेक्स्ट पेज पे वर्ड मीनिंग, नंबर वन बैंड, बी ए एन डी, बैंड, बैंड एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, मैंने बताया था ना एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, एम यू एस आई सी आई ए एन, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन म्यूजिक मीन्स, म्यूजिशियन मीन्स म्यूजिक मीन्स क्या होता है, म्यूजिक मीन्स होता है सॉन्ग, संगीत, ओके, उसे गाने वाला म्यूजिशियन, तो जब म्यूजिशियन का ग्रुप इकट्ठा हो जाता है उनके ग्रुप को बैंड बोलते हैं, ओके, मैरी, मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड, ए स्विंग, अ काइंड ऑफ स्विंग, एक प्रकार का झूला, है ना, जब हम फेयर में जाते हैं, मेले में जाते हैं तो इस टाइप का झूला देखते हैं ना, ए स्विंग, नंबर थ्री क्यू, क्यू मीन्स म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल साउंड, जब भी कोई सॉन्ग स्टार्ट होता है तो उसमें म्यूजिकल साउंड आता है ना, ट्यूनिंग आती है ना, उसको म्यूजिकल साउंड बोलते हैं, ओके, नंबर फोर वुडन, डब्ल्यू डब्ल्यू डी ई एन, वुडन, वुडन मीन्स मैड ऑफ वुड, मैड ऑफ वुड, नंबर फाइव मैड ऑफ वुड भी लकड़ी से बना हुआ तो उसे हम बोलेंगे वुडन, ओके, ब्यूटीफुल बी ई ए यू ई आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, प्रिटी सुंदर, नाइस, ओके, ए डबल टी आर ए सी टी आई ई, अट्रैक्टिव एंड प्रिटी, पी आर ई डबल टी बाई, अट्रैक्टिव मीन्स, अट्रैक्टिव मीन्स मतलब लुकिंग नाइस, जो हमें अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे, वो ब्यूटीफुल होता है, कोई बच्ची सुंदर होती है तो वो हमें अट्रैक्ट करती है ना, उसे हम बार बार देखने का मन करता है, नंबर सिक्स फियर, फियर क्या होता है, व्हाट इज फियर, ए प्लेस विथ फूड स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स, स्विंग्स, स्विंग्स एंड टॉय शॉप्स, एक जगह जहां पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स होते हैं, जैसे कि वहां पर खाने का बहुत सारा आइटम मिलता है, जैसे कि स्वीट्स में जलेबी है, रसगुल्ले हैं, पेड़े हैं, बर्फी है, हम जाते हैं मेले में तो ये सब खरीद के खाते हैं ना, एंड स्विंग्स, स्विंग्स में मतलब
मेनी काइंड्स ऑफ स्विंग्स, बहुत टाइप के झूले देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैरीगोल्ड है और ये बोट बोट वाला स्विंग होता है, अप डाउन स्विंग होता है, ऊपर नीचे जाता है, इस टाइप के कार को बहुत सारे स्विंग होते हैं। मैरीगो राउंड होता है, मैरीगो राउंड में जो वुडन एनिमल्स लगे होते हैं लकड़ी के बने हुए, जैसे कि कैमल लगा है ना, कैमल है, लॉइंग है, टाइगर है, तो बच्चों को इस पे बैठना पसंद है ना, तो रियल पे तो बैठ नहीं सकते हैं, तो ये वुडन के होते हैं, लकड़ी के होते हैं, उनमें बच्चों को बिठा दिया जाता है, उसके बाद बच्चे राउंड एंड राउंड जाते हैं गोल गोल, तो मैरीगो राउंड। ओके, एंड टॉय शॉप, बहुत सारे टॉय की शॉप होती है जहाँ पे आप जाते हो तो टॉयज लेके आते हो ना, बहुत सारे टॉयज की शॉप होती है, एक प्लेस वी फूड स्टॉल स्ट्रिंग्स एंड टॉय शॉप, एक जगह जहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स होते हैं, स्विंग्स यानी झूले होते हैं, एंड टॉय शॉप और खिलौनों की दुकानें होती हैं। ओके, तो वो जगह के क्या बोलते हैं, फेयर बोलते हैं। ओके, सो नाउ वी विल रिपीट अगेन। ओके, उसको हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। नंबर वन, बैंड, एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, बैंड एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। नेक्स्ट, मैरी गो राउंड ए स्विंग, मैरी गो राउंड अ काइंड ऑफ स्विंग, एक टाइप का झूला होता है, बताया ना अभी, वुडन एनिमल्स होते हैं, लकड़ी के बने हुए एनिमल्स होते हैं, उसमें बच्चों को बिठाते हैं और वो गोल गोल घूमता है, मजा आता है ना झूला झूलने में। ओके, नेक्स्ट, ट्यूनिंग होती है ना, जब भी कोई म्यूजिक बजता है तो उसमें पहले ट्यूनिंग आती है, तो इस टाइप के ट्यून को म्यूजिकल साउंड, एक म्यूजिकल साउंड जो होता है उसे ट्यूनिंग बोलते हैं। वुडन मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ। ओके, जैसे गोल्डन गोल्ड का बना हुआ, जैसे वुडन लकड़ी का बना हुआ। ब्यूटीफुल मीन्स अट्रैक्टिव यानी प्रेटी, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। ओके, तो अट्रैक्टिव मीन्स इफेक्टिव, अट्रैक्टिव मीन्स जो हमें अच्छा लगे, जो हमें सुंदर लगे, तो उसको हम ब्यूटीफुल बोलेंगे, प्रिटी बोलेंगे, है ना, सी सो प्रिटी, सी लुक सो प्रिटी, सी लुक सो अट्रैक्टिव। फियर, एक प्लेस वी फूड स्टॉल स्विंग्स एंड टॉय शॉप्स, एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स होते हैं, जहाँ पे अलग बहुत सारे स्नैक्स होते हैं, जैसे कि आप पाव भाजी वगैरह खाते हो, डबेली खाते हो, इस टाइप का डबेली है, और स्वीट्स में जैसे रसगुल्ले हैं, जलेबी है, पेड़ा है, बर्फी है, इस टाइप फूड, बहुत सारे फूड स्टॉल्स लगे होते हैं, बहुत सारे स्विंग्स, बहुत सारे कई टाइप के झूले होते हैं, खिलौने की भी शॉप होती है, टॉय शॉप भी होती है ना, और वहाँ पे बहुत सारे म्यूजिशियन बैठे होते हैं, म्यूजिक बजा रहे होते हैं, है ना, बहुत सारी चेयर पैल होती है, बहुत सारा वहाँ पे म्यूजिक साउंड भी, म्यूजिक वगैरह भी बज रहा होता है, बच्चे जो होते हैं स्विंग झूल रहे होते हैं, इस टाइप का मेले का जो सीन होता है ना, तो आप जब मेला जाओगे तो आप ये सब देखना है। ओके, तो फियर प्लेस वे फूड स्टॉल स्विंग्स एंड टॉय शॉप। ओके, सो रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ओके, सो वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, आई विल सेंड यू दिस इन PDF। ओके, सो यू हैव टू राइट इन योर CW नोटबुक, किस पर लिखना है, CW नोटबुक में लिखना है। ओके, सो वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।